हैं, काफ़ी लोग होते हैं अपने मन से क्रीम ले भी लेते हैं एंड यूज़ भी कर लेते हैं। यूज़ करने के बाद में मोमेटासोन है, ये एक स्टेरॉयड है और स्टेरॉयड को यूज़ करने का एक प्रॉपर वे होता है। हम हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ के लाइट स्किन क्रीम, जो कि बहुत लोग हमारे इंडिया में यूज़ भी करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें ये क्रीम कब यूज़ करनी चाहिए, कैसी प्रॉब्लम में यूज़ करनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं ये हमें कैसी प्रॉब्लम पर वर्क करते हैं। तो अगर आपको जिस टाइप की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप ये क्रीम ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें ये तीनों दवाइयों का यूज़ किया हुआ है, हाइड्रोक्विनोन, रेटिनोइन एंड मोमेटासोन, ठीक है। तो ये तीनों दवाइयाँ हमें कहाँ और कैसे वर्क करती है, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है। देखिए, ट्रिपल एक्शन, ठीक है। तो अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो आप कोई भी क्रीम जब आप अपने लिए ख़रीदते हैं तो आपको जब पता होगा कि हमारी प्रॉब्लम पर ये वाला दवा वर्क करेगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग आराम से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो सबसे पहले जो इसमें हाइड्रोक्विनोन है ये क्या वर्क करता है, हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, जो आपकी स्किन को लाइटनिंग करता है, आपके जो भी डार्क स्पॉट होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, या फिर आपकी कोई भी मिलाजमा या कोई भी स्पॉट होते हैं, ठीक है, जैसे किसी के प्रेगनेंसी के स्पॉट होते हैं, कोई और कोई स्पॉट हो, तो उन सबको लाइटन अप करने का काम करता है। ट्रेटिनोइन क्या करता है, ट्रेटिनोइन हमारे एक्ने को ट्रीट करता है, ठीक है। तो कोई भी आपके पिंपल है तो उनको बनने से रोकता है। मोमेटासोन क्या करता है, मोमेटासोन जो है एक तरह का स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड का वर्क क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम को जहाँ के तहाँ रोकना, ठीक है। सो आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इस क्रीम को आपको किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो क्रीम तो ले लेते हैं लेकिन यूज़ ही पता नहीं होता है, और यूज़ नहीं पता होने के चक्कर में उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, किसी की स्किन पतली हो जाती है, किसी की स्किन बर्न हो जाती है, किसी के बहुत ज़्यादा इरिटेट कर जाती है। तो उसमें मेन रीज़न है आपका सही तरीके से यूज़ नहीं करना। तो इसको यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब आपको पता चल गया है कि ये वाली दवाइयाँ हमें क्या वर्क कर रही है, ठीक है। देन देखिए, इस पर अच्छे से आपको डायरेक्शन दिया हुआ है कि जब भी आप इस क्रीम को लेंगे तो आपको रात में ही इसको यूज़ करना है, दिन में आपको इसको यूज़ नहीं करना है। रात में सोते समय ही आप अच्छे से अपना फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश करने के बाद में आपके हाथ भी वॉश होने चाहिए, ठीक है। और हैंड वॉश करने के बाद में आप अपने फेस पर इसको बिल्कुल लाइट हैंड से अप्लाई करेंगे। आप अप्लाई करने के लिए हैंड्स का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर आप कोई कॉटन पैड का यूज़ भी कर सकते हैं। और बहुत लाइट हैंड से अप्लाई करने के बाद में आपको इसको छोड़ देना है। एंड मॉर्निंग में जब आप सन के कांटेक्ट में जाएंगे तो आपको कम से कम 15 SPF, आप 30 SPF भी यूज़ कर सकते हैं। आप हाथों पर भी अगर यूज़ कर रहे हैं किसी कारण से इस क्रीम को तो आपको SPF कंपलसरी यूज़ करना है, ओके। तो केलाइट क्रीम जब भी आप यूज़ करते हैं आप या तो धूप में नहीं जाए, क्योंकि ये धूप के कांटेक्ट में आते ही हमारी स्किन को इरिटेट करती है, तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप इस क्रीम को यूज़ करेंगे, नाइट में यूज़ करेंगे एंड नाइट में यूज़ करेंगे, मॉर्निंग में आपको कंपलसरी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही है, ठीक है। ओके नाउ, ओके, अभी ये देख लीजिए, आप एक क्रीम देख लीजिए, इस तरह से हमें ये क्रीम मिलती है। 15 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। एंड इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें जो हमारी ये दवाइयों की क्वांटिटी है वो कैसे यूज़ की हुई है, तो इसमें हाइड्रोक्विनोन जो है 2%, ट्रेटिनोइन है इसमें 0.025% एंड मोमेटासोन है इसमें 0.1%, ठीक है। और बच्चों के पहुँच से आपको इसको दूर रखना है। एक्सपोजर टू सनलाइट और यूवी मेक क्यूज रीपिगमेंटेशन ऑब्लीज्ड एरिया, ओके। सो सनलाइट से आपको बचना है, या फिर अगर जा भी रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना है। देखिए, इसमें बहुत अच्छे से हमें बताया हुआ है, अगर हम इसके दिशा निर्देशों को नहीं मानते हैं तो हमारी स्किन पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस का मेरे को अभी इतना इसमें आइडिया नहीं है। एंड कीप ट्यूब टाइटली क्लोज्ड, जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको इसको अच्छे से क्लोज करके रखना है, ओपन नहीं रखना है। आपको जो भी आपके फेस या कहीं भी बॉडी पर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो भी ओपन एरिया है वहाँ आपके क्रीम आपको बचा कर यूज़ करना है, लाइक हमारे लिप्स हो गए, हमारी आइज़ हो गई, नोज़ हो गई, हमारे ईयर्स हो गए, ओके। तो कोई भी ऐसे एरिया जो भी आपके अफेक्टेड एरिया है या जहाँ भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सब ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी बातें, ओके।
अभी देखिए वर्क कहाँ कहाँ करती है, ठीक है। तो जो भी कोई आपके दाग होते हैं, आपके कोई भी पिगमेंटेशन होती है, मिलाजमा होते हैं, या फिर कोई भी आपके मतलब कोई भी किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम होती है, पिंपल होते हैं, एक्ने को भी ये ट्रीट करती है। तो ऐसी कोई भी अगर आपको परेशानी है, डिसकलरेशन है, या फिर आपकी कोई भी डार्क स्पॉट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में आप थोड़ा सा स्किन लाइटन अप करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मिलाजमा में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ डायरेक्शन और इसके दे देती हूँ कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, डॉक्टर के सजेशन से ही यूज़ करनी चाहिए, बाकी अपने हिसाब से उनको लेकर के यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूध पिलाने वाली लेडीज़ हैं उनको भी थोड़ा सा डॉक्टर के सजेशन से ही यूज़ करना है, या फिर यूज़ ना करें तो भी बेहतर है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रख करके और इसको इनको यूज़ करेंगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी देखिए आप इस क्रीम को पूरी को अच्छे से आप जब ओपन करेंगे तो आपको ये देखिए इसमें ये मुझे भी मिला है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कहाँ ये क्रीम हमें काम करती है, और देखिए आपको दिख रहा होगा आई थिंक इसके जो लक्षण हैं, मतलब आप बीमारी को भी पहचान सकते हैं और किसको यूज़ करनी है, किसको यूज़ नहीं करनी है, सावधानियां क्या क्या रखनी है, और पॉजिटिविटी क्या है, मतलब आपको रिज़ल्ट। अभी देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्किन में कोई भी रेडिश होती है, या किसी भी तरह की आपको खुजली होती है, और आपको लगता है कि आपकी स्किन में आपको जलन सी महसूस होती है, मींस बर्न होती है आपकी स्किन, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस क्रीम का यूज़ नहीं करना है, आपको स्किप कर देना है, क्योंकि हो सकता है ये आपको सूट नहीं कर रही हो। और वैसे तो है ना प्रॉब्लम्स थोड़े दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हुई है ठीक नहीं हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, जो भी आपके स्किन के डॉक्टर हैं उनसे आपको मिल करके कंसल्ट कर लेना चाहिए। बाकी डॉक्टर के सजेशन से ही हमें ये सब क्रीम्स यूज़ करनी है। अभी नेक्स्ट एक और बात बता दूं मैं, काफ़ी लोग होते हैं अपने मन से क्रीम ले भी लेते हैं एंड यूज़ भी कर लेते हैं, यूज़ करने के बाद में उसको छोड़ भी देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। रीज़न की जो ये मोमेटासोन है ये एक स्टेरॉयड है, और स्टेरॉयड को यूज़ करने का एक प्रॉपर वे होता है, हम स्टेरॉयड को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। जब भी आप स्टेरॉयड यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा उसको, जैसे आपने कंटिन्यूस क्रीम को यूज़ किया है तो आप एकदम से इसको नहीं छोड़ सकते हैं, आपको सबसे पहले एक दिन छोड़ के एक दिन लगानी है, उसके बाद में दो दिन छोड़ के एक दिन लगानी है, या फिर आप वीकली इसको यूज़ करेंगे, ऐसे धीरे 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 आप इस क्रीम का यूज़ करना छोड़ेंगे, बट कभी भी आप इस क्रीम को एक साथ यूज़ करना नहीं छोड़ देंगे। अगर आप इस क्रीम को एक साथ यूज़ करना छोड़ देंगे तो आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपकी पिगमेंटेशन वापस आपको विजिबल होने लगेगी, जो रिज़ल्ट आपको इससे चाहिए वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये सारी सावधानियाँ रखते हुए अगर आप इस क्रीम को यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, एंड आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है उनको यूज़ करने का तरीका पता नहीं होता है, और यूज़ नहीं करने का तरीका पता नहीं होने के कारण उनकी स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए हर एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए हमें स्किन टाइप एंड उसका हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे स्किन टाइप पर और किस टाइम हमें यूज़ करना है, एंड उसके साथ में और कौन से दवाएँ हैं जो हमको यूज़ करनी है। लाइक जैसे इसके साथ में हमें SPF यूज़ करना है, ठीक है। और एक बार यूज़ करने से पहले ये वाला जो इसका कागज़ है वो ज़रूर आप रीड कर लेंगे, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो उम्मीद करती हूँ गाइज़ कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।